भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 एक बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और ये जितने भी कानून हैं, चाहे वो संविधान बनने से पहले के कानून हो, चाहे संविधान बनने के बाद बनाए जाने वाले कानून हो, ये सबके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। लक्ष्मण रेखा इस बारे में कि ये कहता है कि जो कोई भी कानून है, अगर वो संविधान के लागू होने से पहले का कानून है, और अगर वो संविधान के भाग 3 के जो मौलिक अधिकार है उनको वो वोलेट करता है वो कानून, और वो कानून जितना उस जो मौलिक अधिकार के पार्ट को वोलेट करता है उतना जितना इनकंसिस्टेंट है उतना वो शून्य माना जाएगा, वोइड माना जाएगा। और उसी तरह से भारतीय संविधान के लागू होने के बाद जो कानून बने हैं, अगर वो भी भारतीय संविधान के भाग 3 के कॉन्ट्रावेंशन में है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को वोलेट करता है, तो वो कानून भी उतना उतना वोइड माना जाएगा। इसमें जो कानून है या लॉ जो है, उसमें जैसे जो पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून होंगे, प्लस में जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, बाईलाज होते हैं, वो सब इसमें आएगा। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले जो संविधान संशोधन है वो इसके दायरे में नहीं आता है, उसके लिए अलग पैरामीटर है। उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, जब भी भारत में कोई संविधान संशोधन होता है तो उसका अगर कोई चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखता है, लेकिन वो अलग पैरामीटर पर देखता है। उसमें जो पैरामीटर होंगे वो अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं होंगे। इस तरह की बात पहले एक बार गोलकनाथ के केस में हुई थी, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा केस केशवानंद भारती का केस आया, उसमें कोर्ट ने इस बात को फिर सही से एक्सप्लेन किया और कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अलग पैरामीटर पर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखी जाएगी, और जो बाकी जो कानून है, जो जितने भी कानून हैं, चाहे वो केंद्र के या राज्यों के कानून हो, चाहे ऑर्डिनेंसेस हो, बायलाज हो, रेगुलेशंस हो, कुछ भी हो, वो सब जो है अनुच्छेद 13 के दिए गए पैरामीटर के हिसाब से उनको इवेल्युएट किया जाएगा और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखी जाएगी।